नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी मोटर टॉशन। तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं 2020 किया सोनेट के ड्राइव एक्सपीरियंस के बारे में, इसके परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में, माइलेज के बारे में, ब्रेक टेस्ट के बारे में। ये सब आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन अगर आपको इस गाड़ी का एक टोटल रिव्यू चाहिए, इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू चाहिए, और इसके अलावा आपको इस गाड़ी का ओनर रिव्यू चाहिए, तो आपको आई बटन में उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स मिल जाएंगे और एंड स्क्रीन में भी लिंक मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं, क्योंकि अगर आप ये गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, तो आपके लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो ऑटो वर्ल्ड और किया सोनेट की हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में। सबसे पहले तो गाड़ी में बैठने के बाद जो सबसे पहली चीज़ हमने जो फील करी, कि इस गाड़ी में बैठने के बाद ड्राइवर सीट पे आपको पूरी एक प्रॉपर एसयूवी फील आने वाली है। आपको कहीं ये नहीं लगने वाला है कि ये गाड़ी जो है एक स्मॉल हैचबैक है या फिर एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, पूरी आपको एक प्रॉपर एसयूवी वाली फील आने वाली है। और फ्रंट बोनेट जो है कि यहाँ पे ड्राइवर सीट से बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। ड्राइविंग जो है वो काफ़ी इजी हो जाती है, क्योंकि अगर आपको गाड़ी के फ्रंट का आइडिया लग जाए, आपको गाड़ी के फ्रंट डायमेंशंस का आइडिया लग जाए, बोनेट विजिबल हो, तो आपकी ड्राइविंग जो है वो काफ़ी ईजी हो जाती है, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और स्पेशली अगर आप एक ओल्ड एज पर्सन है या फिर आपकी हाइट जो है वो कम है, तो ऐसे में आपके लिए ऐसी गाड़ी चलाना जिसमें आपका फ्रंट पूरा अच्छे से क्लियरली विजिबल हो, काफ़ी आसान हो जाता है। तो इस मामले में सोनेट में आपको कहीं भी कोई कमी नहीं लगने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। तो यहाँ ड्राइविंग के टाइम पे आपको कैबिन के अंदर इंजन की बिल्कुल भी साउंड नहीं आने वाली है। साइलेंट आपको कैबिन मिलने वाला है डीजल इंजन के साथ ड्राइविंग के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे हमें बिल्कुल भी जो इंजन की साउंड है वो फील नहीं हो रही है। और नॉर्मली अगर आप बाहर खड़े होते हैं, बोनेट के पास खड़े होते हैं या बोनेट को ओपन कर रहे हैं, तो आपको नॉर्मल डीजल इंजन वाली साउंड सुनने को मिलेगी, जो कि नॉर्मल डीजल इंजन में हमें सुनने को मिलती है, और वो आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन अगर आप गाड़ी बैठ के अंदर ड्राइव कर रहे हैं, तो ये साउंड जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पेट्रोल गाड़ी है या फिर डीजल गाड़ी है, क्योंकि जो साउंड है वो बोनेट तक ही रह जाती है और कैबिन के अंदर जो है आती भी नहीं। तो इस मामले में ये गाड़ी जो है आपको बेस्ट फील कराने वाली है इस सेगमेंट में, क्योंकि आपको ड्राइविंग के टाइम पे बिल्कुल भी इंजन साउंड नहीं आने वाली है। और टर्निंग रेडियस की बात करें, तो इस गाड़ी में आपको अच्छा खासा टर्निंग रेडियस मिल जाता है। तो इस गाड़ी को चलाने के बाद जो मुझे फील आ रही है और जो मेरा बोलने का मन कर रहा है, वो ये कि ये गाड़ी चलाते हुए आपको नॉइज़ के मामले में पेट्रोल की तरह लगने वाली है, और पावर के मामले में आपको ये डीजल वाला मज़ा देने वाली है। तो चलिए अब करते हैं हम इस गाड़ी का परफॉर्मेंस टेस्ट, 0 to 100 ये गाड़ी कितनी जल्दी कवर करती है, और साथ ही करते हैं इसका ब्रेक टेस्ट, और फिर आपको बताते हैं कि माइलेज भी जो है हमें इस ड्यूरेशन में क्या मिली है। तो आपने देखा इस गाड़ी का परफॉर्मेंस टेस्ट, 0 to 100 ये गाड़ी जो है वो कवर कर लेती है 12 सेकंड्स में, जो कि काफ़ी अच्छा टाइम है। और वहीं अगर आप ब्रेक्स की बात करें, तो ब्रेक्स जो है ये गाड़ी 100 to 0 पे ले आती है हमें करीब 5 सेकंड्स में। बात करें पावर और पिकअप की, जो कि हमने फील किया है, तो इस गाड़ी में आपको कहीं भी पावर पिकअप की कमी नहीं आने वाली है। ओवरऑल आपको ये गाड़ी जो है वो काफ़ी फन टू ड्राइव लगने वाली है, अगर आप एक पावर लवर है तो। तो ये हम हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात करें, तो इस गाड़ी की हाई स्पीड स्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही है, काफ़ी ज़्यादा जम के चल रही है ये गाड़ी, चिपक के चल रही है ये गाड़ी रोड के साथ। और सस्पेंशन की बात करें, तो जो सस्पेंशन हमें इसका जो हार्डर वाली साइड फील हो रहा है, क्योंकि ये डीजल वेरिएंट है, तो हो सकता है कि आपको पेट्रोल वेरिएंट में जो इसका सस्पेंशन का कंफर्ट थोड़ा डिफरेंट लगे, क्योंकि दोनों गाड़ियों में वेट के मामले में काफ़ी डिफरेंस है। जो डीजल वेरिएंट है उसका जो डीजल इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा हैवियर होता है, और पेट्रोल वेरिएंट का जो पेट्रोल इंजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा लाइटर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको सस्पेंशन की सेटिंग्स में डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ हमें सस्पेंशन थोड़े से हार्डर साइड फील आ रहा है, जिसकी वजह से ये गाड़ी जो हमें हाईवे पर काफ़ी जम के चलती हुई नज़र आ रही है। तो अगर आप इस गाड़ी को फैमिली के साथ ड्राइव करते हैं, 5 लोग गाड़ी के अंदर हैं और एसी ऑन है, तो ऐसे केस में आपको
ओवरटेक में भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इस गाड़ी को 60-70 की स्पीड पे चलाया फिफ्थ और सिक्स गियर में, और ऐसे केस में भी हमें जो है काफ़ी कंटिन्यूस डिलीवरी मिली इस गाड़ी से, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ऐसे केस में आपको माइलेज जो है वो भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो यहाँ हमने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो नोटिस करी इस गाड़ी को चलाते हुए, वो ये कि गाड़ी को चलाते हुए टर्न लेते हुए आपको ए पिलर्स की वजह से विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, जो कि हमने नोटिस किया इस गाड़ी में। क्योंकि इस गाड़ी के जो ए पिलर्स है वो उतने ज़्यादा थिक नहीं है, उतने ज़्यादा चौड़े नहीं है। और एक और चीज़ जो नोटिस की हमने इसके ए पिलर्स में, जिसकी वजह से आपकी जो विजिबिलिटी है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, वो ये कि आप ध्यान से देखिए, जो इसके ए पिलर्स का जो डिज़ाइन है, इंटीरियर डिज़ाइन है, जो प्लास्टिक डिज़ाइन है, वो दोनों साइज साइड से कर्व्ड है, जिसकी वजह से जो थिकनेस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है और आपको टर्न लेते हुए देखने में परेशानी नहीं होती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं माइलेज की। तो ड्यूरिंग दिस ड्राइविंग हमें जो माइलेज मिली है जब हमने इस गाड़ी को परफॉर्मेंस टेस्ट किया और ब्रेक टेस्ट किया, तो ओवरऑल हमें जो माइलेज मिली है वो है 15 KMPL की, जिसमें कि गाड़ी जो है काफ़ी रफली ड्राइव की गई है। और इसके अलावा जहाँ हमने इस गाड़ी को बड़े ही स्मूथली ड्राइव किया 80+ की स्पीड पे नॉर्मल कंडीशंस में, तो हमें जो माइलेज मिली है वो है अराउंड 21 KMPL की। तो अगर आप ये गाड़ी खरीदते हैं डीजल में, तो आपको अराउंड 17 KMPL की सिटी माइलेज जो है मिल जानी चाहिए नॉर्मल कंडीशंस में। और अगर आप इस गाड़ी को हाईवे पे ड्राइव करते हैं विद इन 2 to 2,500 RPM, तो आपको इस गाड़ी से बड़े ही ईजिली 22 KMPL के अराउंड माइलेज मिल जानी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइस की, और क्या इस गाड़ी को ख़रीदना एक फ़ायदेमंद डील है या फिर नहीं। तो ये गाड़ी का, जैसे कि आपको बताया, वेरिएंट जो कि है GTX+ डीजल मैनुअल, और इसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ता है वो 14.09 लैक्स। ये जो प्राइसेस हम बता रहे हैं ये दिल्ली के प्राइसेस हैं, ऑन रोड प्राइसेस। और तो दोस्तों, इस गाड़ी में हमें कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि हमें लोअर वेरिएंट्स में, यानी कि HTX+ में और लोअर वेरिएंट्स में हमें ये फीचर्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये गाड़ी को ख़रीदना इस प्राइस में एक फ़ायदेमंद डील है। तो इस गाड़ी में हमें कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ESP हमें मिल जाता है, ब्रेक असिस्ट मिल जाता है, ऑटो सेंसिंग डोर अनलॉक्स मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात, इस गाड़ी में हमें 6 एयरबैग्स का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि हमें इसके लोअर वेरिएंट्स में नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये था किया सोनेट GTX+ डीजल का एक ओवरऑल टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस जो हमने आपसे शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलेगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।